गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज जा रही है सभी को? अच्छा प्रियाक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, आवाज जा रही है मेरी सभी लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके ओके, सर गुड वो इवनिंग। जो आपने लिटमस का लिखवाया था ना सर, और शेला टिंकटोरा सर, सिंह पांडे जैन में तो कुछ और लिखा हुआ है सर, क्या दिया हुआ रोशेला की है? कोई और स्पीशीज है सर, मॉन्टेंगनी है और एक लेसेलिया पुस्टुलेटा लिटमस का सोर्स सर। देखिए, जो कोरा हुआ है BHO में, मैंने उसी का आंसर बताया आपको, ठीक है? ओके सर, उसके जो क्वेश्चन पूछा गया था BHO में, वहां पे आंसर यही दिया हुआ था, रोचेला टिंटोरा। ओके, तो ओके सर, और सिंह पांडे में बहुत सारे इरर है, जो कि आप इरर को अगर रेक्टिफाई करने जाएंगे तो इतने सारे इरर मिलेंगे कि मत पूछिए आप। ओके सर। लेकिन सर क्वेश्चन तो कल जो बीच में क्वेश्चन था वो वाला नाइन्थ हाँ, क्विज में जो क्वेश्चन था वो क्या था का उसका उसमें था? आंसर, हाँ, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था, लिटमस एंड उसनिक एसिड, यही यस क्वेश्चन सर, पूछा गया था। तो उस पे रेस्पेक्टिवली वाला ऑप्शन में, जिसमें आपका रोचेला टिंक्टोरा पहले और उसनिया जिसमें बाद में था, वो आपका ऑप्शन होता, या तो फिर आपका रोचेला टिंक्टोरा की जगह एक और आपका ऑप्शन हो सकता था, जिसमें कि नहीं सर, आपका रेंडियर मॉस और उसनिया जिसमें था, और दोनों का सीक्वल तब जाके सही होता, क्योंकि उसमें पूछा गया था, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था रेस्पेक्टिवली, मतलब आपका पहले जो लिटमस पूछा गया है तो लिटमस किससे मिला और उसनिक एसिड किससे मिला है, वो आपका जिससे मिला है उसका, दोनों का सीक्वेंस अगर सही है तभी जाके सही ऑप्शन होता है। लेकिन सर उसमें रेंडर मोस सही दे रखा रेंडियर मॉस, अच्छा था, रेंडर मोस सर उसने सही दे रखा था। एक मिनट में क्वेश्चन देखूं जरा। हाँ, सही तो है, रेंडियर मॉस एंड उसने कैसे उसनिया। क्या हो गया सर इसमें, क्या बट दिक्कत है? लिटमस तो रोसेला टिंटोरा से मिलता है ना, तो रेंडियर मॉस को ही तो रोसेला टिंटोरा बोला जाता है। ऐसा पता नहीं था सर, ये तो उन्हीं बताया को गया था बोलते क्लास हैं में, ना क्या बोल रहे हैं? क्लेडोनिया क्लेडोनिया रे। रेंगी फिराना बोला जाता है ना। हाँ क्लेडोनिया रेंगी फेरा। एक मिनट में देखूं जरा, क्या मैंने क्या लिखाया था मैंने। सर, आपने ये नहीं लिखवाया था लेकिन ये गूगल पे सर्च किए तो यही था, रेंडर मॉस को क्या क्लेडोनिया रेंगीफेरा कहते हैं।
रेंडियर मॉस को क्लेडोनिया रेंजिफेरा बोलते हैं। अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा सा देख के कंफर्म हो जाता हूँ। सर बट दोनों डिफरेंट हैं शायद। अच्छा बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए बस। रेंडियर मॉस इज क्लेडोनिया रेंजिफेरा। हाँ क्लेडोनिया रेंजिफेरा होता है और रोटेला टिंक्टोरा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है वीर, चूंकि वो भी मैं देख लेता हूँ। ओके उसमें ऑप्शन में तब आपका ये जो आपको दिया हुआ था आपका रेंडियर मॉस वो नहीं होता, वहां पे आपका रोचेला टिंक्टोरा होना चाहिए था। ठीक है रेंडियर मॉस आपका क्लेडोनिया रेंजिफेरा होता है, ये मिस्टेक था क्वेश्चन में। चलिए ठीक है किसी को डाउट इसमें और सर वो कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं उनमें हाँ केएम तो इंक्रीज होता है लेकिन वीएमएक्स का आपने बताया नहीं था। पीडीएफ में भी डिक्रीज दे रखा था वीएमएक्स को। हाँ कंपटीटिव में आपका वीमैक्स डिक्रीज होगा। आपने पीडीएफ में जो सेंड किया था पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर सेंड किया था उसमें हाँ सर उसमें यही लिखा हुआ था। सही है या पता नहीं आप बता। कॉम्पिटिटिव में आपका केएम से आपका इंक्रीज होता है, ठीक है वीमैक्स इंक्रीज नहीं होगा उसमें। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन पेपर में, अगर जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें ना। हेलो यस सर हेलो 60 ओके वाला 60 क्वेश्चन थे जिसमें। 16 नंबर जो क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर कितना बताया? सर देखना पड़ेगा अभी से। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वाला, ए बी इज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम डी विच कन्वर्ट ए बी इनटू ए सी, ये क्वेश्चन आप बोल रही हैं। हाँ सर आपने बोला था कि केएम तो इंक्रीज होगा वीमैक्स सेम रहेगा हाँ तो यही होगा। लेकिन आंसर में वो दे रखा है। एट नंबर है ना क्वेश्चन, एट का सी होना चाहिए था।
एट का सी नहीं होना चाहिए, एट का होगा आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, केम इंक्रीजेज एंड वी मैक्स रिमेन सेम, एट का सी होना चाहिए। क्या आंसर दिया गया है कि में एट का ए दिया हुआ है ऑप्शन। अच्छा ये तो आपको क्लास में मैंने बताया था, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत दे दिया है, आपको आंसर गलत दे दिया है। ठीक है, ये क्लास में आपको बताया था मैंने, तो इस पे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। हाँ आंसर गलत चला गया है तो उस पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसका केएम इंक्रीजेज एंड वीमैक्स रिमेन सेम होगा। ठीक है, वीमैक्स डिक्रीज नहीं करेगा, कम्पिटिटिव है यहाँ पे। एक बार मैं फिर से आज मैं आंसर थोड़ा आंसर की थोड़ा चेक कर लूंगा। ठीक है, काफी सारे पता नहीं इतना एरर कैसे आ रहा है, जबकि मैं देख लूंगा एक बार क्या बोल रही हैं सर। केएम और वीमैक्स में कैसे, केएम और वीमैक्स में कैसे रिलेशनशिप आएगा, ये मैंने आपको ग्राफ बताया था। ठीक है, इसी तरह ग्राफ होता था हाइपरबोलिक, जहाँ पे आपका हाफ वीमैक्स होता है, वीमैक्स बाय टू जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका केएम, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को केएम बोलते हैं। जब आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है तो क्या होता है, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो आपका क्या करता है, सिमिलर साइट पे जाके बाइंड करेगा जो कि एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ओके, तो जब हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या करेगा वो, आपका कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है आपका सब इनहिबिटर का, उसके जगह पर ये जब आपका प्रेजेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो वो जाकर एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो वीमैक्स आपका जो था वही आपका रहेगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए थी वही होगी, बस जो सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ताकि जो इनहिबिटर था उसको कंपनसेट कर सके। ओके ओके सर, मैं आज आंसर की फिर से एक बार रिचेक कर लूंगा। ठीक है, ढेर सारा आप लोग बता रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है, और अब क्विज में भी थोड़ा सा देखा जाएगा कि इतना ज्यादा एरर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जा रहा एरर तो अब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस पे। चलिए ठीक है, अच्छा है आप लोग रेक्टिफाई कर दिए तो सही है। और किसी को प्रॉब्लम इससे, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, हाँ क्या सर, ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन का जो ऑप्शन था कल के टेस्ट में उसमें कंफ्यूजन है। ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन, एक मिनट रुकिए देख लेता हूँ, ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन, जो डाइसैकेराइड यूनिट है उसमें आप पूछ रही हैं। हेलो सर, यस, रिपीटिंग यूनिट्स इन ग्लूकोसामाइन, रिपीटिंग यूनिट्स, ओके। हाँ तो इसमें क्या पूछना था, एसिड शुगर के, एसिड शुगर होगा या यूरोनिक एसिड होगा, तो यूरोनिक शुगर, यूरोनिक, यूरोनिक आपका क्या था, आपका आपका जो एसिडिक शुगर जो हो रहा था, एसिडिक शुगर जो है तो उसमें आपका यूरोनिक एसिड आपका एक टाइप है। यस सर, तो ये भी तो आपका एसिडिक शुगर ही हुआ ना। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें शुगर एंड एमिनो शुगर मल्टीपल टाइम्स होगा, पर
सर यूरोनिक एसिड और क्या अमीनो बोल रहे? वाला आंसर था सर। हाँ, वही होगा। ओके सर। सर एसिड शुगर एंड एमाइन शुगर नहीं होगा? देखिए वो एमाइन सीक्वेंस जो शुगर है आपका, जो पहला वाला ऑप्शन आपका जो था, वो सीक्वेंस उसमें क्या दिया हुआ है? एमिनो शुगर एंड एसिडिक शुगर। और मैंने बताया था कि जो पॉलीसेक्राइड होता है उसमें भी आपका पोलैरिटी होती है, ठीक है? तो उसमें आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। जो एमिनो शुगर एंड एसिडिक शुगर है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, और यूरोनिक शुगर एक तरह का आपका एसिडिक शुगर है, और एमिनो शुगर उसके बाद है आपका एमिनो शुगर। तो ये जो सीक्वेंस है और जो पहला ऑप्शन का जो सीक्वेंस है, वो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है या नहीं है? है सर। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज हो गया। ओके, ओके सर। और किसी को कोई डाउट? हेलो। हाँ वो सर, टेंथ हाँ बोलिए। क्वेश्चन जो था टेस्ट का, बायोकेमिस्ट्री का 10th क्वेश्चन, तो सर उसमें आंसर दिया था अमाइलोपेक्टिन सर। तो उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक दोनों होगा ना किसमें? ब्रांचिस्ट एट। अमाइलोपेक्टिन में। हाँ हाँ, तो ब्रांचिंग आपका एमाइलोपेक्टिन में कहाँ पे होता है? सर, मतलब पढ़ा तो दोनों है। पढ़ा तो दोनों है, पढ़ा तो दोनों है। तो ऑप्शन में दोनों होना इसे चाहिए था ना। देखिए, जो आपका देखिए जो ब्रांच आपका फॉर्म होता ब्रांच है, फॉर्म यूजुअली होता आपका, है, यूजुअली आपका आवाज रिपीट कर रही है? आवाज रिपीट कर रही है? नहीं, मुझे सुनाई मैं देता कर है रही या हूँ, फिर? इको हो रहे हैं सर। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। हेलो, अभी नहीं हो रहा है? नहीं नो नहीं सर। हाँ अभी नहीं हो रही है। ओके, जो स्टार्च होता है उसमें क्या होता है आपका? आपको जो माइलोपेक्टिन का दोनों यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, हाँ तो आपका एमाइलोज जो होता है वो क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है सारा का सारा। हाँ यानी कि क्या है ये? आपका एक शुगर मॉलिक्यूल है। ये आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया। फिर से इसी तरह और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। लेकिन आपका ये कभी भी आपका ये ब्रांच फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है? ब्रांच हमेशा फॉर्म यहां से होता है। देखिए, ये आपका 6th कार्बन यहाँ पे है, 6th कार्बन यहाँ पे है, और ये आके आपका क्या करेगा? इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या कहलाता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये यहाँ पे ब्रांच फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये आपका स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये ब्रांच फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये बॉन्ड जो है इसी को कंसिडर करेंगे ना ब्रांचिंग। अच्छा, मतलब कि वो दोनों बॉन्ड रखता है लेकिन ब्रांच जो होता है वो 1,6 पे होता है। हाँ, 1,6 से होता है। वन सिक्स से जो होता है वन फोर वन होता है वो जो वन नॉर्मल फोर होता है चेन वो आपका नॉर्मल एक्सटेंड हो रहा चेन है। आपका एक्सटेंड हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ नहीं सर, अभी बोलिए। ठीक हो गया है। अभी हाँ, अभी ठीक हो गया। मुझे भी बीच में सुनाई दिया, इको हुआ थोड़ा सा।
ओके, और किसी को कोई डाउट? नहीं है। ओके देन, हम लोगों ने जय में अभी जो एक डाउट जो था वो रोचेला टिंटोरा वाला और आपका रेंडियर मॉस में, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। रेंडियर मॉस को क्लेडोनिया बोलते हैं, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्चुअली मैं वो कंफ्यूजन में ही वो क्वेश्चन उस टाइप से फ्रेम हो गया, ठीक है। क्लेडोनिया रेंजी फिर आपका रेंडियर मॉस है, जबकि आपका रोचेला टिंटोरा रेंडियर मॉस नहीं है। उससे क्या मिलता है हम लोगों को? दैट वी गेट लिटमस, ओके, दैट इज यूज्ड इन पीएच इंडिकेटर। तो आज हम लोग अगला जो हमारा था वो क्या था? माइकोराइजा था। अभी तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत? हेलो हेलो, जितना पढ़ाया गया है अभी तक उसमें से किसी को दिक्कत कुछ? नो सर, किसी भी पार्ट में। और जिनका कोई अगर पार्ट छूटा हो तो मुझे वो मैसेज कर देंगे, ठीक है, उसके लिए क्लास अरेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि वो फिर से अगर उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है तो आप क्लास कर लें और बाद में फिर उसका रिकॉर्डिंग से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनका भी जो छूटा है आप मुझे बता देंगे। ओके, हेलो, ओके यस सर, ओके सर, ओके। तो फिर हम लोग माइकोराइजा स्टार्ट करते हैं। माइकोराइजा किस टाइप का एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, माइकोराइजा है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके किसके बीच होता है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और ये आपका प्रेजेंट होता है फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, मोस्ट कॉमनली इसमें आपके आते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जैसे कि पाइन। और क्या फीचर्स होते हैं इनमें? ये आपका वूली कवरिंग दिखेगा आपका, क्या दिखेगा? वूली कवरिंग ऑन रूट्स। ओके, मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इक्टोमाइकोराइजा और दूसरा क्या है? इंडोमाइकोराइजा। जैसा कि नाम बता रहा है एक्सटीरियर सरफेस पे। और इंडो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटीरियर सरफेस पे, इंटीरियर रीजन में। यहाँ पे क्या होता है आपका? इनमें जो फंजाई होती है ये मेनली कौन से क्लास के होते हैं? बेसिडियोमाइसिट्स में, ये पूछा जाता है, बेसिडियोमाइसिट्स याद रखिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि आपके लाइकेंस में
जो एल्गल पार्टनर होता है, फाइकोबायंट होता है, वो क्या होता है आपका? साइनो बैक्टीरिया, मैंने बताया था, ठीक है, साइनोफेज, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोफेज बता रहा हूँ, साइनोफेज। साइनोफेज पता है कि नहीं को क्या होता है? यस सर, वायरस जो यस सर, बैक्टीरिया वाटर सॉरी एल्गी पे अटैक करता है। क्या करता है ये? वायरस दैट इन्फेक्ट साइनोबैक्टीरिया। वायरसेस दैट अटैक साइनोबैक्टीरिया, यस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज LPP1, ओके। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि साइनोफेज डिस्कवरी में आपका BHU का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बहुत सारे साइन, एलपीपीआई LPP1 एक टाइप ऑफ साइनोफेज है, ठीक है। जब हम लोग वायरसेस पढ़ेंगे तो तब वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि वहां पे लाइकेन में मैंने बताया था कि साइनो बैक्टीरिया होते हैं पार्टनर, और आपका फंजाई होता है आपका एस्कोमाइसीट से। तो किन्हीं पर दो चार बच्चों को डाउट हुआ था कि बुक में आपका सिंह पांडे जैन में तो दिया हुआ है क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपका साइनोबैक्टीरिया मोस्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया का पाया जाता है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि कहीं पे लिखा है सर कि 40% में आपके ये प्रेजेंट है, एल्गी प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी प्रेजेंट है। तो आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि पहले साइनोफाइसी इवोल्यूशन में आया है या फिर पहले क्लोरोफाइसी आया है। साइनो, और जो आपका लाइकेन जो इन्वॉल्व होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है आपका? एक बहुत ही इसका अमेजिंग फीचर है आपका, प्राइमरी कॉलोनाइजर्स बोला गया था इनको, बोला गया था। यस सर जो कि बैरन लैंड्स में क्या करते थे, वेजिटेशन डेवलप करने में मदद करते थे, ओके। सर तो जब साइनो बैक्टीरिया, जब आपका स्टार्टिंग में जब आपका वेजिटेशन डेवलप हो रहा होगा, तो वहां पे क्लोरोफाइसी हेल्प किया होगा या फिर साइनोफाइसी हेल्प किया होगा? क्लोरोफाइल क्लोरोफाइसी साइनोफाइसी पहले पहले कौन आया है आपका? साइनोफाइसी आया है। तो जब इंसिपिएंट कंडीशन में जब आपका लैंड पे अगर वेजिटेशन डेवलप हुआ होगा तो पहले कौन कराया होगा? पहले साइनोफाइसी करवाया है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपका अच्छे से ग्रोथ हो गया, और क्लोरोफाइसी आपका एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो साइनोफाइसी जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन करता है आपका लाइकेन में, ठीक है। तो जिनको ये डाउट हो रहा है तो वो इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। और सिंह पांडे जैन आंख मूंद के मत पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलूंगा, क्योंकि सिंह पांडे जैन जो है कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ बुक है। यहाँ का मटेरियल यहाँ से उठा के वहां डाल दिया, वहां का मटेरियल उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक नहीं है वो। हाँ, उसमें इतना सारा मटेरियल एक ही साथ दे दिया गया है कि स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी, मान लीजिए BHU में ही जाएंगे, तो हमारे प्रोफेसर अक्सर कहा करते थे हम लोगों को कि साइनोफाइसी जो आपका सिंह पांडे जैन है उसको आंख मूंद के कभी मत पढ़ो, उसमें बहुत सारे फैक्ट जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो जिसमें भी आपको डाउट हो थोड़ा सा उसको पढ़िए, ऐसे रिफर कीजिए, तब जाके आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी उस चीज पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे लाइकेन, हम लोग को जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब फंजाई, माइकोराइजा में हम लोगों ने देख लिया कि फंजाई का पार्टनर क्या होता है, बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं। टाइप कौन कौन से हैं? इक्टोमाइकोराइजा एंड इंडोमाइकोराइजा। अब इसमें क्या देखना है, अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे कहीं कहीं दिया हुआ है एस्कोमाइसीट होते हैं, तो
तो कुछ मेंबर्स में आपके एस्कोमाइसिट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, हर जगह पे एक्सेप्शन है, एस्कोमाइसिट्स इन फ्यू मेंबर्स, इन फ्यू, ओके, लेकिन काफी रेयर होता है ये क्या होता है, काफी रेयर होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इक्टोमाइकोराइजा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे से हमारी क्लास में से कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यस सर। ले लिया है? यस सर। यस सर। Yes, कोई ऐसा है जिसको मतलब वैक्सीन लेने के 2-3 दिन बाद तक सिर दर्द रहा हो या तो फिर से आ गया हो सिर दर्द, ऐसा कुछ? सर हमको तो कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा तुमको कुछ हुआ ही नहीं था? सर हाथ में दर्द होता है सर। सर पहले दिन बस सिर दर्द था। अच्छा पहले दिन सिर दर्द था सर, मुझे तो तीसरे दिन हुआ था सर दर्द। अच्छा मतलब तीसरे दिन आया था सिर दर्द? हाँ सर, 2 दिन तो कुछ हुआ ही नहीं, एकदम आराम से थे। अच्छा नहीं, एक्चुअली मुझे सिरदर्द स्टार्टिंग डे हुआ था, उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन जो जिस दिन मैं क्लास नहीं हो पाया था उस दिन बॉडी पेन था और सिरदर्द तो था ही। अब एक दिन क्या हुआ, बीच में सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, बिना कोई दवा ववा लिए, लेकिन आज फिर क्या हो रहा है कि आज दोपहर के बाद से सिरदर्द थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मैं ही ऐसा एक्सेप्शन हूँ या फिर और भी लोगों को ऐसा हुआ है। ठीक है सर, मेरा भी सेम हुआ था। अच्छा नहीं सर, एक्सेप्शन नहीं है आप। नहीं, मास स्टडी पॉपुलेशन, देखो ये सब क्या होता है ना कि वैक्सीनेशन ये सब का जो जितना भी इफेक्ट है ये मास पॉपुलेशन के स्टडी पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स हैं जो इनको बनाए, अभी भी गवर्नमेंट पूरा जो डाटा अवेलेबल नहीं करवा पाई है कि क्या इफेक्ट है, क्या असर कर रहा है। ठीक है, और जो आपका जो बोला जाता है कि 18 से 44 साल के लोगों पे आपका टेस्ट हुआ है या फिर 60 से 90 साल के लोगों पे टेस्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनको हेलो सर। हाँ बोलिए। नेटवर्क चला गया था तो नहीं, पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा पिछले वाली स्लाइड दिखा दूं? हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो जो स्टडी होती है तो उसपे क्या होता है, मेनली देखा जाता है बॉडी वेट को। ठीक है, एज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हमें इंडिविजुअल वॉलंटियर मिला है, ओके, जो वॉलंटियर मिला होता है वो देखा जाता है कि वो इतना एज का है या नहीं है, देखा जाता है। ठीक है, एज का हम लोगों को चाहिए, उसके बाद जो स्टडी होती है वो वेट पे होती है। ठीक है, कि इतने से इतने बीच फीमेल मेंबर्स में इतना बॉडी वेट होता है अप्रोक्स पे आपका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इकोटॉक्सिकोलॉजी, जब आपको टॉक्सिकोलॉजी होता है एक ब्रांच टॉक्सिकोलॉजी, इसमें यही चीज देखा जाता है कि जो ड्रग्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, पॉइजन जो है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, और वो मेनली स्टडी किस पे किया जाता है, बॉडी वेट पे किया जाता है। ठीक है, कितना ग्राम आपका मटेरियल है ड्रग का और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है इतने बॉडी वेट पे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये बनाया गया। अब तो यहाँ पे बॉडी वेट सबका वेरिएबल है, तो उसका डाटा तो हर जो वहां पे डाटा होगा वो तो एक स्टैंडर्ड डाटा है, लेकिन अब तो पॉपुलेशन में आप स्टडी कीजिएगा तो वो तो वेरिएशन दिखेगा। अभी भी जो क्लियर तो डाटा है वो अभी भी बाहर नहीं आ पाया है, अभी देखिए कितना टाइम लगा, क्या क्या इफेक्ट बाहर आता है। ठीक है, लेकिन जब तक कोई उपाय है नहीं तो वैक्सीन ही लेना कारगर है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं फिर भी जो होता है। तो इक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, जहां पे आपका एक्सटीरियर सरफेस पे होगा, ये क्या करेगा आपका
ऑन द एक्सटीरियर सरफेस। कैसे जानेंगे एक तो माइक्रोराइजर है, क्या बनाएगा फॉर्म से, ठीक कूली कवरिंग, ठीक कूली कवरिंग ऑन द आउटसाइड। ठीक है एक तो माइक्रोराइजर सर, ठीक के बाद कूल कूल उली 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 कवरिंग ऑन द आउटसाइड। अब आपका क्या है इंडो माइक्रोराइजर, ये क्या होता है आपका जो फंगल आपका हाइफा होता है, ये क्या करेगा इनटू कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा और क्या करेगा इंटर सेल्स, इंटर्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर ये फाइन ब्रांचेज फॉर्म करेगा, फाइन ब्रांचेज। फाइन ब्रांचेज मतलब कि ये सेल के अंदर जाएगा, यहाँ पे ये मान लीजिए कॉर्टेक्स रीजन है आपका स्टेम का, स्टेम बोल रहा हूँ रूट का। ओके सर, फंगल ऑफ हाइफा के बाद क्या लिखा आपने? फंगल हाइफा के बाद लिखा है गोज इन कॉर्टेक्स रीजन, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है आपका रूट का, तो क्या करेगा यहां पे ये इस तरह से, इस तरह से माइसिलियम यहां फैल जाएंगी। ठीक है उसके बाद कुछ जो है वो अंदर जाएंगे इसके और यहां पे इस तरह से ब्रांच फॉर्म कर लेंगे। ठीक है कुछ ब्रांचेज, कुछ टाइप का ये जो ब्रांचेज होती हैं इनके एंड में आपका बल्जिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बल्ज स्ट्रक्चर या तो फिर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, क्या होगा इन फ्यू वेसिकल, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ ब्रांचेज, टिप ऑफ फाइन ब्रांचेज, और इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, दिस वेसिकल्स आर कॉल्ड आर वेस्क्यूल्स। ओके चलिए आर्वेस्क्यूल्स द्वारा समझाते हैं, क्या बोल रही है आर्वेस्क्यूल्स दोबारा समझा दो। देखो क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होता है वो क्या करेगा कॉर्टेक्स रीजन में आपका फैल जाएगा। ठीक है और ये हाइफी फिर क्या करती हैं आपका जो सेल्स होती हैं उनके अंदर चली जाती हैं। ठीक है और अंदर जाने के बाद क्या करती हैं वहां पे फाइन ब्रांच फॉर्म करती हैं, ब्रांचेज वो अपना हाइफी का आपका डेवलप कर लेंगे। ठीक है उसके बाद क्या होगा
कुछ में क्या होता है आपका कि जो ब्रांचेज होती हैं उनके टिप पे क्या होंगे आपके वेसिकल स्वेलिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और वो स्वेलिंग टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं वेसिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्वेस्क्यूल्स बोलते हैं, ARBUSCULES, आर्वेस्क्यूल्स। और ऐसे जो आपके फंजाए होते हैं, ऐसा जो आपका माइकोराइजा होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिक्यूलर VESICULAR वेसिक्यूलर आर्वेस्क्यूलर माइकोराइजा। वेसिक्यूलर आर्वेस्क्यूलर माइकोराइजा, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, क्या आर्वेस्क्यूलर आर्वेस्क्यूल की स्पेलिंग आपस से रिपीट करना, ARBUSCULES। ओके सर। सर ये फिफ्थ स्टेज में आपने क्या लिखा है, इन फ्यू वेसिकल्स। अच्छा रुकिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखे इन फ्यू वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म एट द टिप, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स एट द टिप। ओके अब क्लियर है। तो ऐसे माइकोराइजा को हम लोग क्या बोलते हैं, वैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा। ओके यस सर। तो ये माइकोराइजा भी हम लोग का हो गया। माइकोराइजा हेल्प किस में करता है आपका, फंक्शन ऑफ माइकोराइजा क्या होता है, हेल्प्स द रूट ऑफ प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड इन, जो कि लॉक्ड होते हैं किन में, लॉक्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ जो आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो आपका लॉक्ड होता है उनके साथ जो मिक्स्ड होता है उनको एब्जॉर्ब करने में आपका कौन मदद करता है, माइकोराइजा मदद करता है। ये मेनली क्या होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और क्या करता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर फंजाई, फ्रॉम अदर इंफेक्शियस फंजाई। ये कैसे करता है बताइए तो, किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया अगर आ रहा हो कि माइक्रोराइजा आपका अदर फंजाई से
प्रोटेक्ट कैसे करता है प्लांट को? सर ऑटोटॉक्सिसिटी से। किससे? ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी, यस सर, यही बोल रहे हैं? यस सर। ये क्या करता है आपका? कुछ सब्सटेंसेस ये सिंथेसाइज करता है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल होता है, क्या नाम था उसका, प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना था, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि जब आपका वैक्सीन लगा तो आपके अंदर एंटीबॉडीज जैसे डेवलप हुई, ठीक है, तो उसी तरह प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट का अपना इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, तो जब इसके साथ एंजाइम आपका, क्या बोल रही हैं सर? फाइटोएलेक्सिन। हाँ, फाइटोएलेक्सिन्स। फाइटोएलेक्सिन्स, ठीक है, तो जब फाइटोएलेक्सिन्स इनमें डेवलप होता है तो जब दूसरा फंजाई इनको इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा आपका, लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करके इसका इन्फेक्शन को रोक देगा, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी के बारे में अभी हमको याद नहीं आ रहा है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटो मतलब सेल्फ हो गया, सेल्फ टॉक्सिसिटी, वन फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस ही है ये, ठीक है, मैं एक बार देखूंगा तब बता पाऊंगा। हाँ, सेल्फ डिफेंस ही है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो इम्यूनिटी होती है उसी तरह से ये ऑटोटॉक्सिसिटी होगी, मेनली फाइटोएलेक्सिन्स वो केमिकल रिलीज सिंथेसाइज करता है जिसके कारण दूसरा फंजाई जो है वो आपका इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, अक्सर ये तो याद रह जाते हैं लेकिन ये अक्सर आदमी भूल जाता है, तो भूलना नहीं है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको करेक्ट करके आना। हाँ बोलिए सर, आपने इनऑर्गेनिक के बाद क्या लिखा हुआ है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सर, ये ब्रैकेट में जो आपने लिखा है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ओके सर। तो अभी तक हम लोग कैरेक्टर्स जो देख रहे थे आपके बेसिक कैरेक्टर, वो सिर्फ हमने अभी तक हैबिटेट देखा है, ठीक है, अब इसके बाद बाकी जो हमें देखने हैं वो अब हम लोग चलते हैं आगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर, फंजाई के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म होता है सॉइल से? डिजॉल्व कर देता है वो, फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ओके सर। फंजाई में सेप्रोफिटिक एबिलिटी होती है ना, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को डिजॉल्व कर देगा, ठीक है, अब जब डिजॉल्व हो जाएगा तो आपका सिंपल फॉर्म में आ गया, अब उसको क्या करेगा, प्लांट का रूट इजिली अब्जॉर्ब कर लेगा। यस सर, ओके। तो हम लोगों ने हैबिटेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब आगे हम लोगों को देखना है सोमेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो उनका स्ट्रक्चर्स होता है उनके बारे में। क्या होता है आपका, इनका जो बॉडी होता है, बॉडी ऑफ फंगस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स और फिलामेंट्स, इनको बोलते हैं हाइफी, से लेकर आपका लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है,
एक एग्जांपल बताइए जिसमें आपका लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज होता है। पेरिथीसियम। पेरिथीसियम। मैं पूछ रहा हूँ फंजाई जिसमें कि आपका लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज होता है। मशरूम। मशरूम्स, पब बॉल्स। ओके, तो आपका इतना ज्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा फंगस के बॉडी में। ठीक है, जब आपका फंज हाइफी क्या होता है, हाइफी क्या करेगा आपका, ये फॉर्म करेगा आपका वेव लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म से वेव लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ये एक सिंगल हाइफी है, अगर ये इस तरह से ढेर सारे यहाँ पे आपके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम। ओके, आपका जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। बताए सभी को स्मॉलेस्ट फंजा है ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से हाइफी फॉर्म में है। ठीक है, यूनिसेलुलर से ये आपका हाइफी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, हाइफी इसको कंसीडर कर सकते हैं। कुछ फॉर्म जो होते हैं वो स्यूडो माइसिलियम फॉर्म में होते हैं, स्यूडो माइसीलियम, स्यूडो माइसीलियम कब बोलेंगे, एग्रीगेशन ऑफ डॉटर्स इन चेन। मान लीजिए यही यूनिसेलुलर जो ईस्ट सेल है, ईस्ट है आपका, वो मान लीजिए इस तरह से चेन में अरेंज हो गया, तो इसको जब हम लोग लो पावर में देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा ये इस तरह से क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी टाइप से दिखेगा स्ट्रक्चर, एक ऐसे लाइन दिखेगी, दूसरी लाइन ऐसे दिखेगी, फिर ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, पावर में देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि ये माइसिलियम ही है, लेकिन ये एक्चुअली माइसिलियम ना होके ये क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या है बताइए, चेन ऑफ डाउटर सेल्स है। ठीक है, ये जब हम लोग देखेंगे लो पावर में, लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हम लोगों को एक माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्यूडो माइसिलियम। यहाँ पे क्या है आपका, डॉटर सेल्स जो हैं, डॉटर सेल्स जो हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं चेन में। ठीक है, वहां पे एक्चुअल फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरवोवन फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो माइसिलियम। क्लियर है सभी को? सर ये ईस्ट के बाद क्या लिखा है आपने, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, और उसको हम लोग एज ए हाइफी कंसीडर कर सकते हैं। सर आपकी आवाज रिपीट होकर क्यों आ रही है, पता नहीं वो इको हो रहा है, जब आपका श्रुति जब अपना माइक ऑन कर रही है तभी हो रहा है ये। ओके सर, नहीं तो अभी, तो अभी तो इको नहीं हो रही है। नो सर, अभी सही आ रही है आवाज। यस, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो शायद। समझ में आया सभी को स्यूडोमाइसिलियम कब बोला जाता है?
ओके एक वर्ड होता है डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक क्या होता है, जब आपका क्या होगा, आपका बोथ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड हाइफल फॉर्म, हाइफल फॉर्म, ये दोनों जब सिंगल फंजाई अगर आपका एग्जिबिट करे, सिंगल फंजाई अगर दोनों फॉर्म आपके एग्जिबिट करे, एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक फंजाई बोलेंगे, ठीक है। हाइफल फॉर्म क्या होता है, फिलामेंटस होता है इस तरह से, ठीक है, और ये क्या होगा आपका यूनिसेलुलर इस तरह से होगा। तो जब आपका फंजाई आपका दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमॉर्फिक फंजाई। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्जांपल इसका है कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है। अब आपको यहां पे देखना है लाइफ साइकिल के फेजेज, इनमें देखने हैं फेजेज क्या होते हैं लाइफ साइकिल में, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो एक फेज होता है आपका वेजिटेटिव और एसिमिलेटिव फेज। इन वर्ड्स को याद रखेंगे अभी, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब हम लोग जाएंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे यूज होगा इनका। फर्स्ट क्या होता है, एसिमिलेटिव फेज, और आपको लाइफ साइकिल पढ़ने हैं, आपको सारे क्लासेस के लाइफ साइकिल के बारे में जानना है, ठीक है। एसिमिलेटिव फेज, और दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, एसिमिलेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। एसिमिलेटिव फेज को और एक नाम से जाना जाता है, वेजिटेटिव फेज, ये जितने भी सारे हम लोग बेसिक फीचर्स पढ़ रहे हैं अभी, सारे अभी कहाँ पे काम आने वाले हैं, हमारे क्लासिफिकेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज, एसिमिलेटिव फेज में क्या होता है आपका, एसिमिलेटिव फेज में आपका होगा माइसीलियम क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स, माइसीलियम एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट, और उसको क्या करेगा, यूज फॉर लिविंग, ओके। एसिमिलेटिव फेज में क्या करेगा, फंजाई जो है अपना सेप्रोफिटिक फीचर जो होता है सेप्रोफाइट्स, वहां पे क्या करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा, अपना जो सराउंडिंग में मटेरियल से फूड मटेरियल उसको डिजॉल्व करेगा, वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और सिंपली अपने लाइफ साइकिल को बढ़ाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई नया फॉर्म नहीं डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे डाउटर सेल्स को यहाँ पे डेवलप करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पे क्या होगा आपका, डी हाइफी हाइफी क्या करेगा, यहाँ पे
becomes aerial and form, क्या फॉर्म करता है एरियल होने के बाद, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और फ्रूटिंग बॉडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ओके, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। क्लियर है सभी को? वेजिटेटिव फेज और एसिमिलेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंडिविजुअल सेल्स फेज के, सेल एंड टिश्यू टाइप, सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना हम लोगों को देखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है और जितना से हम लोग क्लासिफिकेशन समझ पाए। टिश्यू स्ट्रक्चर सर, लास्ट वाला पेज दिखाना। हो गया सर। सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर, तो हम लोगों को पता है फंजाई किसमें आता है आपका, यूकेरियोट या फिर प्रोकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में या प्रोकेरियोट्स में आता है बताइए। यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में, मतलब कि यहां पे ऑल ऑर्गेनेल्स विल बी प्रेजेंट except will be present except प्लास्टिड, प्लास्टिड्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है इनमें, आपका जो सेल वॉल्स होता है वो किससे, सेल वॉल किससे बना होता है, फंगल सेलुलोज, और जिसको हम लोग बोलते हैं फंगल सेलुलोज और काइटिन। सब सो गए हैं क्या क्लास में? नो सर। फंगल सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था किन्हीं किन्हीं में आपका ट्रू सेलुलोज भी होता है, किन में होता है बताया था या नहीं बताया था? बताया था, कौन सा क्लास होता है बताइए। ओमाइसिटिस, जैसे कि आपका फाइटोप्थोरा, एल्बियोगोबी, ओके, और ये सब आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपका आता है ओमाइसिटीज, और क्या है आपका जो हाइफी होती है, हाइफी होती है वो क्या हो सकती है, सेप्टेट हो सकती है और ए सेप्टेट हो सकती है। सेप्टेट किसको बोलते हैं, जहां पे एक सेप्टा प्रेजेंट हो। सेप्टा क्या होता है, एक पार्टीशन, सेप्टेट और ए सेप्टेट, ठीक है। सेप्टेट किसको बोलेंगे, जब फिलामेंट में दो सेल के बीच में एक पार्टीशन हो, दोनों को अलग करता हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट। और जब दो सेल के बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं हो, कंटिन्यूअस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सेप्टेट, ठीक है। सेप्टा मतलब क्या होता है, सेप्टा इज वॉल और पार्टीशन,
अब जो सेप्टा होता है वो होता है के सेप्टा जो है वो टोटल तीन टाइप के हैं। कौन कौन से? पहला है आपका कंप्लीट सेप्टम, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सेप्टम विद सिंपल पोर, सेप्टम विद सिंपल सिंपल पोर। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका डॉली पोर सेप्टम, जो कंप्लीट सेप्टम होता है उसमें क्या होता है आपका? इसमें होगा आपका कंप्लीट पार्टीशन। इसको बताने की जरूरत कंप्लीट सेप्टम को? क्लियर है सभी को? नो सर, यस सर, क्लियर है। कंप्लीट पार्टीशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। और सेप्टम विद सिंपल पोर क्या है आपका? ये क्या होगा आपका? ये आपके दो एडजेसेंट सेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होगा? एक सिंपल सा एक पोर होगा प्रेजेंट, ठीक है। एक छोटा सा पोर होगा जो कनेक्ट करेगा दो एडजेसेंट सेल को, ठीक है। सेंट्रल पोर इन द सेप्टम, क्या है? सेप्टम के बीचों बीच एक पोर प्रेजेंट है, पोर इन द सेप्टम, सेंट्रल पोर इन द सेप्टम, ठीक है। क्लियर है सभी को? किसमें प्रेजेंट होता है ये आपका? ये प्रेजेंट होगा आपका एस्कोमाइसिटीज एंड सम ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। कंप्लीट सेप्टम किसमें प्रेजेंट होगा आपका? कंप्लीट सेप्टम लगभग लगभग सब में पाया जाता है, जिनमें आपका नहीं प्रेजेंट होगा आपका ये दोनों, ठीक है। डॉली पोर सेप्टम में क्या होता है? डॉली पोर सेप्टम भी आपका एक तरह से सिंपल पोर है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है? यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इसके शेप में, ठीक है। ये क्या होगा आपका? डोलीपोर। ये जो डोलीपोर नाम पड़ा है, ये डोलीपोर नाम पड़ा है इसके शेप के कारण, ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स बैरल लाइक शेप्ड, बैरल लाइक शेप। क्या होता है बैरल? इस तरह से होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका पोर का शेप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉली पोर सेप्टम। सेप्टम इज बैरल, क्या है? बैरल। सेप्टम इज बैरल लाइक स्ट्रक्चर, सेप्टम इज बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड इन द रीजन ऑफ पोर, इन द रीजन ऑफ पोर। जो पोर रीजन है वहां पे सेप्टम क्या हो जाएगा आपका? बैरल लाइक हो जाएगा, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा? वो डॉली पोर सेप्टम कहलाता है। किसमें प्रेजेंट होगा ये? मोस्ट कॉमन आपका कई बार पूछा जा चुका सवाल है ये, डॉली पोर सेप्टम किसमें प्रेजेंट होता है आपका?
बेसिडियोमाइसिट्स। ओके एक टर्म होता है लोमाजोम, क्या होता है लोमा, LOMASOME, ठीक है लोमाजोम। आप लोगों ने पढ़ा होगा मीजोजोम, मीजोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है उसका, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस रेप्लिकेशन, एनर्जी एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इनमें उनका क्या होता है मेजोजोम का फंक्शन होता है। जस्ट लाइक मेजोजोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोमाजोम, लोमाजोम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये कहाँ पे पाया जाएगा फंजाई में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोमाजोम आर फाउंड इन, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का, ठीक है क्या होता है ये आपका होता है लिख लीजिए कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड कॉम्प्लेक्स, कन्वोल्यूटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ, मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट लाइज बिलो द सेल वॉल, मतलब कि ये किस साइड होगा आपका साइटोप्लाज्म के साइड होगा, ठीक है सेल मैट्रिक्स के टाइप साइड। ओके लोमाजोम हो गया, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा फंक्शन इसका भी, यहाँ पे उसी टाइप का फंक्शन होता है आपका, ठीक है। डीएनए यहाँ पे क्या करता है आपका स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में क्या था आपका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, लेकिन कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होंगी यहाँ पे आपका मीजोजोम से मैच करेगा, जैसे कि आपका स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया। यूजुअली तो आपका प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया होता है उनमें सेल साइकिल होती नहीं है, सेल डिविजन होती नहीं है, वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका स्पिंडल फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो आपका लोमाजोम में होता है, ठीक है यस। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम लोगों को पता है क्या होता है, इनमें हेटरोट्रॉपिक होता है एंड अब्जॉर्प्टिव होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होगा हेटरोट्रॉपिक और अब्जॉर्प्टिव, एंड अब्जॉर्प्टिव। ओके अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में,
यहाँ पे पूरा रिप्रोडक्शन नहीं जानेंगे, वो हम लोग जब क्लासेस जब अलग अलग से पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है कि किस टाइप से क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपका किस तरह से हो सकता है यहाँ पे, या तो फिर आपका वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव हो सकता है, और ये सेक्सुअल हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ओके, ये तीनों इनमें होता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो उसके टाइप हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे टूट के और वो फिर क्या करेंगे, नया आपका माइसिलियम को डेवलप करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन के बाद दूसरा क्या है आपका, फिजन। फिजन तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका बडिंग। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका गोनिडिया फॉर्मेशन। गोनिडिया फॉर्मेशन ओके। फिफ्थ क्या है फिर, फिफ्थ है आपका राइजोमोर्फ्स। राइजोमोर्फ्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका इन्वॉल्व है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो टाइप याद रख रहे हैं, जो लास्ट वन है वो क्या है आपका, स्क्लेरोटिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। ये यूजुअली याद भी रह जाते हैं, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा याद रख लीजिए ताकि कोई पता नहीं है कब क्या पूछ दे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जो स्क्लेरोटिया होता है ये मेनली क्या होता है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, राइजोम आप क्या होता है, राइजोम से वर्ड आया है, मतलब कि आपका बिलो दी अर्थ सरफेस होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक मासेस बिलो दी सॉइल। की हेल्प करता है आपका नए प्लांट बनाने में, नए आपके हाइफिया माइसिलियम को ग्रो करने में, ठीक है। गोनिडिया क्या होता है, किसी को आइडिया गोनिडिया क्या होता है, हेलो हेलो क्या होता है गोनिडिया सर, वॉलवॉक्स में पढ़ा है कि वॉलवॉक्स में गोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, कॉलोनी होती है ऐसे डॉटर सेल्स। हाँ, मास ऑफ सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल्स वहां पे एक जगह पे एग्रीगेटेड फॉर्म में रहेंगे। ओके एग्रीगेटेड सेल फॉर्म,
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, कोई ऐसा एनिमल जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो? हाइड्रा। किसमें? हाइड्रा। हाइड्रा में, हाइड्रा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और कोई दिमाग लगाना चाहेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? जेनेसिस हो सकता है इसमें? क्या क्या हो सकता है सर? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हाँ हो सकता है। तो सर ड्रोन्स हो सकते हैं? ड्रोन्स और ड्रोन्स एंड क्लोन्स। ड्रोन्स ड्रोन्स क्या? ड्रोन्स एक टाइप के क्लोन्स होते हैं ना, विदाउट एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। हनी बी, हनी बी सर, हनी बी में जो ड्रोन मेल, मेल जो होता है, हाँ जो मेल डेवलप होते हैं आपके। यस सर, वो उनमें भी तो है पार्थेनोजेनेसिस। वो हाँ, तो वो आपके एक टाइप के क्लोन्स होते हैं, उनमें से टाइप का आपका चेंज आएगा नहीं जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हुआ नहीं है। तो ड्रोन्स भी एक तरह के क्लोन्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस का क्लोन बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है कभी? हेलो, आइडिया नहीं, पता नहीं, पता है, कभी सर्च कीजिएगा, ठीक है, सर्च कीजिएगा कि क्लोनिंग ह्यूमंस की हुई है कि नहीं हुई है। काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ढेर सारे मूवीज बन चुकी हैं इस पे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? एक सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? कोनिडिया, ठीक है। दूसरा क्या? दूसरा है आपका ओइडिया। ये क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं विदाउट मियोसिस जो डेवलप होंगे, इनको क्या बोला जा सकता है? माइटोस्पोर्स कहा जा सकता है। माइटोस्पोर्स, माइटोसिस के थ्रू जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर्स। और मियोस्पोर्स किसको बोलते हैं? गैमिट्स को, जो कि मियोसिस के थ्रू डेवलप होंगे। ओके, ये आपका एन भी हो सकता है और टू एन भी हो सकता है, जैसा आपका प्लांट बॉडी है, जैसा थैलस स्ट्रक्चर है, वैसा आपका जो माइटोस्पोर्स होते हैं उनका वही हैप्लॉइडी होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर प्लांट बॉडी या तो फिर फंगल बॉडी ही आपका हैप्लॉइड है, तो आपका जो, आपका जो ये स्पोर्स होगा वो भी क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। लेकिन मियोस्पोर्स ये हमेशा हैप्लॉइड्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? हमेशा हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि मियोसिस में रिडक्शनल डिविजन होता है। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ओइडिया के बाद आपका क्या है? ओइडिया के बाद है आपका, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? क्लियर, माइटोस्पोर्स। सर माइटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है? नहीं, मियोस्पोर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि गैमेट्स जो मियोसिस से फॉर्म होती हैं, माइटोस्पोर्स जो माइटोसिस से फॉर्म होती है, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स हो गया। अब क्लेमाइडोस्पोर्स के बाद अगला क्या है? आपका इंडोस्पोर्स है। और क्या होते हैं? इंडोस्पोर्स के बाद आपके होते हैं पिकनी स्पोर्स होते हैं। पिकनियो, PYCNYAU, पिकनियो स्पोर्स, ठीक होता है आपका। एस्कोर क्या होता है? स्पोर्स होगा, एस्कोस्पोर्स होगा। एस्कोस्पोर्स के साथ और
स्क्वेयर स्पोर के बाद होता है आपका बेसिडियो स्पोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे ये डेवलप हुए होंगे, कौन से क्लास में। क्लियर है सभी को, स्क्वेयर स्पोर कहाँ पे डेवलप होते होंगे? एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद क्या है, यूरिडो स्पोर्स। और क्या है आपके, और है आपका टेलियोस्पोर्स। हाँ बोलिए। ये एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर। हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके सर। टेल्यूटो स्पोर्स हो गया, टेल्यूटो याद। और एक होता है आपका एसीडियो स्पोर्स, AECIDIO एसीडियो स्पोर्स। ये टोटल टाइप हो गए आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले स्पोर्स। ओके एक मिनट रुक जाइए। ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में बेसिडियस स्पोर्ट। ये जो एस्को स्पोर्ट्स है, बेसिडियो स्पोर्ट्स है, ये आपके मियो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये आप यहाँ तक इसको रखिए। अच्छा हुआ गौतम याद दिलाया। मियो स्पोर्ट्स जो है ये आपके, ये माइटोस्पोर्स है, ठीक है। इतने आपके माइटोस्पोर्स हैं, माइटोस्पोर्स। ये जो है ये क्या है आपके, मियोस्पोर्स हैं। ओके मुझे डाउट हो गया था थोड़ा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पिकनियोस्पोर्स तक जो है वो आपके माइटोस्पोर्स हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, एसिडियोस्पोर्स, ये सारे मियोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे। थैंक यू गौतम याद करवाने के लिए, नहीं तो अभी सबका गलत हो जाता। इधर हमको भी कंफ्यूज हो रहे थे, हमको भी लग रहा शायद वो सेक्सुअल में होगा। नहीं 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 नहीं, ये मियो स्पोर्ट्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन टाइप हैं, कौन कौन से। आइसोगेमी, सबको पता है क्या होता है मतलब आइसोगेमी का। Yes. एनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी में जिसमें दोनों गैमेट सिमिलर हो, एनाइसोगेमी में जिसमें दोनों गैमेट डिससिमिलर हो, डिससिमिलर गैमेट्स। यहाँ और एक केस होगा, सिमिलर गैमेट्स, यहाँ पे सिमिलर गैमेट्स,
और उगे में क्या हम होता है, वन उस्पोर और एक क्या होता है स्पर्म होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे ये टाइप ऑफ एनाइसोगेमी है जिसमें कि दोनों क्या होते हैं गेमेट्स डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे फ्यूजन है, ठीक है, गैमेट्स यहाँ पे क्या करेंगे, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, गैमेट्स फ्यूजन होगा यहाँ पे, ओके, गैमेट का फ्यूजन होगा, जो दो गैमेट्स यहाँ पे हैं सेक्सुअल वो फ्यूज करेंगे। तो ये जो फ्यूजन होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप, और उन डिफरेंट टाइप्स को हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या है आपका, वो है आपका प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। देख लीजिए सर। हाँ बोलो सर, ये ओगेमी में स्पर्म के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो ओस्पोर है या ओस्फियर होगा? ये ओस्पोर भी बोलते हैं, ओस्फियर भी बोलते हैं सर। ऐसा मैंने पढ़ा था कि शायद एक को शायद फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट बोलते हैं। यस सर, दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा हाँ, वो स्पोर जो होगा ये डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा ना, स्पोर डिप्लॉइड होता है, एक मिनट, वो स्पोर जो होता है वो डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा। यस सर, वो फर्टिलाइज्ड कंडीशन है। ये डिप्लॉइड है, ये सारा का सारा क्या है आपका हैप्लॉइड है, ये क्या है हैप्लॉइड है, ओके। एग या तो फिर ओस्फियर या तो और क्या होता है स्पर्म होता है। जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो डिफरेंट टाइप से होगा। आपका जो पहला जो टाइप है वो क्या है आपका प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स। मतलब कि मोटाइल मतलब क्या होता है, मूवेबल। अगर इसी में आपको यहां पे लिख दिया जाए ए प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, ये क्या हो जाएगा ये प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ बताइए, नॉन मोटाइल। कहीं पे भी अगर कोई रूट वर्ड के आगे ए लग जाए, एन लग जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उसके जस्ट अपोजिट हो जाना वहां पे मीनिंग, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट्स। जैसे यहाँ पे मोटाइल था तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। ओके, ए प्लेनोगेमेटिक हो गया। अब ए प्लेनोगेमेटिक के बाद हमने देखना है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा आपका, फ्यूजन ऑफ एग एंड अमीबॉइड लाइक मेल गैमेट। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब मेल गैमेट क्या है आपका अमीबॉइड लाइक है, मतलब कि उसमें क्या है फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगी। वो क्या करेगा, सिर्फ अपने वाल के मूवमेंट से, ठीक है, सेल्फ प्रोपल्शन और आपका वाटर इंटेक करेगा, वाटर आउटलेट करेगा, उसके थ्रू वो क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा,
यहाँ पे फ्लेजला अब्सेंट होगी, फ्लेजला अब्सेंट होगा, और जिस तरह से अमीबा मूव करता है उसी तरह मूव करके वो क्या करेगा आपका एग के सामने जाकर फ्यूज करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। क्लियर है सभी को अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब, अमीबॉइड मेल गैमेट का मतलब? एक बार सर वापस। गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा किसका, एग का आपका मेल गैमेट से, और जो मेल गैमेट होती है वो क्या होती है, अमीबॉइड होती है, ठीक है। अमीबॉइड मतलब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, अमीबॉइड मतलब है यहाँ पे फ्लेजला अब्सेंट होगा, जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, अमीबा लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है। अमीबा में तो कोई होता नहीं है आपका फ्लेजला, वो क्या करता है सिर्फ अपना जो मटेरियल अंदर है उसको यूज करके क्या करेगा, उसको आउट करेगा, प्रोपेल आउट करेगा, उसके कारण क्या होगा खुद में थोड़ा सा मूवमेंट लाएगा, ठीक है, और कुछ चीज को अगर अंदर लेगा तो फिर वो फिर उसके कारण भी थोड़ा सा मूवमेंट आता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है सेल प्रोपल्सन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट क्या होती है एग के अंदर इंटर करती है, ओके। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होता है आपका, एग्जाम्पल इसका है अल्ब्यूगो, क्योंकि अल्ब्यूगो हम लोग को पढ़ना है तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, हमने कॉन्टेक्ट देख लिया, अब देखना है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल। सर स्लाइड से पीछे कीजिएगा प्लीज। यस सर, हो गया। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन होगा गैमिटेंजिया का, फ्यूजन ऑफ गैमिटेंजिया, एग्जांपल इसका लिख लीजिए, एग्जांपल इसका होता है राइजोपस, ओके। अब गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के बाद क्या है आपका, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन किसी को आइडिया, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है नाम से कुछ, स्पर्म मतलब कि ये डिनोट किया जाता है मेल गैमेट को, मेल गैमेट कॉल स्पर्म मेटिया कैरिड बाय इंसेक्ट्स और वाटर टू फीमेल गैमिटेंजियम, टेंजियम, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाइजेशन। इसका और एक नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगैमी, ओके। क्लियर है सभी को, टाइप्स जो हैं होते हैं आपके फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के, क्या क्या टाइप्स हैं वो क्लियर है सभी को। हेलो, हाँ बोलिए सर, ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। ये क्या होता है,
आपका मेल गैमेट जो है आपका स्पर्मेटिया, वो क्या होता है आपका, या तो वाटर या तो फिर इंसेक्ट, वो क्या करेगा वहां से आपका जो स्पर्मेटेंजिया जो होती है, जो स्ट्रक्चर में आपका स्पर्मेटिया जो होता है, मतलब जो स्पर्म जो होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है, वहां से वो निकल के क्या होंगे, या तो फिर इंसेक्ट से या तो फिर वाटर क्या करेगा उसको अपने साथ ले जाके जहां पे फीमेल स्ट्रक्चर होता है वहां पे ले जाके उसे फ्यूज करवाएगा, फ्यूजन में हेल्प करता है। तो वैसे जहां ऐसा टाइप ऑफ फ्यूजन जहां पे होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाइजेशन और स्पर्मेटोगेमी। थैंक यू। एग्जांपल, एग्जांपल इसका, एग्जाम्पल इसका आप ट्राइकोगाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पक्षी जिसमें ट्राइकोगाइन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ट्राइकोगाइन किस में फॉर्म होता है, एग्जाम्पल पता है सर, पक्षी नहीं है, लेकिन सर इसमें क्या, सर इसमें सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है सर, सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली एब्सेंट। यस सर, यस सर, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कम्प्लीटली अब्सेंट, यहाँ पे मेल गैमेट तो फॉर्म होंगे जहाँ पे वो तो सेक्स ऑर्गन, स्पोर लाइक स्पर्मेटिया ट्रांसफर होता है सर, स्पोर लाइक माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेटिया सर, मेल गैमेट जो होता है ये सर, हाँ तो ये तो स्पर्मेटिया जो स्पर्मेटिया है तो ये तो स्पोर या फिर मेल गैमेट ही बोलिए इसको, ठीक है, माइन्यूट जो जाके फीमेल जो यहाँ पे मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो जाके वहां पे जाके आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वो जो जाके फिर क्या करेगा, जो ट्राइकोगाइन जो होता है जिसके अंदर फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट होगी वो जाके यहाँ पे अटैच्ड होगा और यहाँ से फिर आपका आके यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। सर लिखा था सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली एब्सेंट सर, पक्सिनिया एग्जांपल लिखा था सर, स्पर्मेटाइजेशन का। यस सर, हेलो, यस सर, स्पर्मेटाइजेशन में सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली अब्सेंट। यस सर, फीमेल गैमेटेंजियम तो होता है इसमें, अच्छा मैं एक बार देखूंगा क्योंकि फीमेल गैमेटेंजियम दिया है तो यहाँ पे तो फीमेल ऑर्गन है यहाँ पे प्रेजेंट, और मेल गैमेट भी आपका स्पर्मेटिया है, ये भी तो आपका मेल सेक्स ऑर्गन से ही निकलेगा। ये मैं देख के आपको बताऊंगा कि कंप्लीटली अब्सेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, ओके सर। क्योंकि यहां पे देखिए इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटेंजियम में जा रहा है, और फीमेल गैमेटेंजिया तो, अब फीमेल गैमेटेंजिया लिखा है मतलब क्या, वहां पे होगा सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन तो है उसका मतलब। अब पक्सिनिया हो सकता है ऐसा कि पक्सिनिया के केस में स्पेशली वहां पे अब्सेंट हो, समझ रहे हैं। हेलो, यस सर, सर इसकी डेफिनेशन सर नोट्स में लिखी है मेरे सर, इन सम एडवांस जनरा लाइक पक्सिनिया सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीटली अब्सेंट एंड द सेक्सुअल प्रोसेस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेटिया एंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफे फीमेल गैमेट्स, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफे। यस सर, अच्छा चलिए मैं इसको देख के बताऊंगा एक बार सही से। इसमें एक्चुअली स्पर्मेटिया, अच्छा मैं देख ही लेता हूँ, रुकिए, इसमें एंथ्रीडियम अब्सेंट होगा, ठीक है, जो एंथ्रीडियम है आपका स्पर्मेटाइजेशन में एंथ्रीडियम अब्सेंट होगा, यूजुअली क्या होता है जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या कहते हैं एक लोअर क्लास से आप हायर क्लास में जाएंगे तो फंजाई में क्या होता है आपका, ये लाइन लिख लीजिए, तो देयर इज मार्क्ड रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी, ये होता है, होता है या नहीं होता है। यस सर, यस सर,
मार्क रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी कैसे, जैसे कि हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में जाते जाते क्या होता है, सेक्सुअल जो स्टेज होता है परफेक्ट स्टेज जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, एज वी गो हायर। तो उसी के बेसिस पे हो सकता है कि स्पर्मेटाइजेशन में आपका पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट जो होता है, सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो अब्सेंट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन में जो आपने आप जो अभी बता रहे थे, क्या नाम था आपका सर? देवेंद्र। देवेंद्र, तो उसमें फीमेल पार्ट आपका नहीं अब्सेंट होगा, फीमेल पार्ट जैसे ट्राइकोगाइन है तो ये आपका तो प्रेजेंट ही है। यस सर। तो ट्राइकोगाइन तो ये फीमेल पार्ट है, अब्सेंट क्या होता है यहाँ पे, एंथ्रीडियम अब्सेंट होता है। और जो स्पर्मेटिया है ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, हाँ क्या बोल रहे हैं? फिर स्पर्मेटिया मेल गैमेट नहीं है? स्पर्मेटिया मेल गैमेट ही तो है, सेक्स सेल्स है ये, मेल सेक्स सेल। अब क्लियर है? यस। स्पेशलाइज्ड मेल सेक्स सेल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जाके स्पर्मेटिया आपका कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ, कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ट्राइकोगाइन ऑफ एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम क्या है, ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। किन्हीं किन्हीं में क्या होता है, ये एस्कोगोनियम भी अब्सेंट होता है, समटाइम्स दिस आल्सो अब्सेंट। ठीक है, अब क्लियर हुआ? हेलो हेलो। यस सर। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये भी अब्सेंट होगा, ठीक है, तो यहां पे सिंपली क्या होगा, देयर इज सिंपली फ्यूजन, देयर इज सिंपली कॉन्टेक्ट, किसका कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्मेटिया विथ हाइफी, ठीक है। जब एस्कोगोनियम भी आपका अब्सेंट होगा तो वो सिर्फ जाके आपका हाइफी से सिर्फ कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे देखिए दो टाइप होते हैं, ये पार्ट तो नहीं जाना था, जब ये बता ही देता हूं आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोथेलिक, होमोथेलिक और एक पढ़ा होगा हेट्रोथेलिक, पढ़ा है आप लोगों ने होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक? यस सर। क्या होता है होमोथेलिक में? जब गैमेट जो होती हैं वो आपका सेम ही थैलस से आपका बिलोंग करें, ठीक है, व्हेन गैमेट्स बिलोंग टू आइदर द सेम माइसिलियम और जेनेटिकली सिमिलर माइसिलियम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथेलिक। व्हेन गैमेट्स 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 आपका क्या करेगा, बिलोंग टू आइदर सेम माइसिलियम, और ये एडवांस, ये जो हमारा जो हम लोग सिर्फ थैलस में देख रहे हैं आपका थैलस में, तो ये आपका एडवांस फीचर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है किसका,
सेक्सुअलिटी में जब आपका रिडक्शन होगा तो वहां पे फिर आपको देखेंगे एडवांस, जब आपका फैमिली फैमिलीज में कुछ एडवांस जो मेंबर्स होते हैं उनमें इस टाइप के फ्यूजन देखा जाएगा, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ माइसिलियम या तो फिर हाइफी से ही आपका कॉन्टेक्ट से फ्यूजन से आपका क्या हो जाएगा, नया जो डाउटर सेल्स है वो आपका फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, विद द सेम माइसिलियम, माइसिलियम और जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर माइसिलिया, और हेट्रोथेलिक में क्या होता है आपका, ये जब आपका जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, ठीक है, माइसिलिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोथेलिक। अब चलिए ये बता दिए तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है, वो भी बता ही देता हूँ, जो हेट्रोथेलिज्म है, जो हेट्रोथेलिक से आपका क्या है, हेट्रोथेलिज्म, हेट्रोथेलिज्म, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है बीएचयू में, हेट्रोथेलिज्म क्या होता है, हेट्रोथेलिज्म जब आपका जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर माइसिलिया के बीच आपका क्या हो, फ्यूजन हो, फ्यूजन ऑफ हेट्रोथेलिक माइसिलिया, फ्यूजन ऑफ हेट्रोथेलिक माइसिलिया, माइसिलिया, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका किसमें, ये आपका हेल्प करता है प्रिवेंट इन ब्रीडिंग, प्रिवेंट इन ब्रीडिंग, ठीक है, और इस हेट्रोथेलिज्म को डिस्कवर किया था आपने, किसने डिस्कवर किया था, कोई बताएगा, एक्सली, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, तो जैसे जैसे जो एडवांस होते जाते हैं मेंबर उनमें क्या होता है, आपका सेक्सुअलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, और डिक्रीज करने के साथ ही साथ आपका हेट्रोथेलिज्म बढ़ेगा, ताकि क्या हो सके, जेनेटिक जेनेटिकली डिफरेंस आ सके, इन ब्रीडिंग को रोका जा सके, ठीक है, और इसी को डिस्कवर किया था ब्लैक्सली ने, ठीक है, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है बीएचयू में, अगर आप लोगों ने बीएचयू के पेपर कभी देखे होंगे तो उसमें ये नाम, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी को, ऐसा ही हेट्रोथेलिज्म फिर हम लोग एल्गी में भी पाएंगे, ठीक है, वहां पे भी हेट्रोथेलिज्म होता है, तो टाइप्स ऑफ फ्यूजन, फ्यूजिंग गैमेट्स हम लोगों ने देख लिया, एक आपका टाइप बच गया है, वो है आपका सोमेटोगेमी, क्या है, सोमेटोगेमी, ये देख लेते हैं, कल से हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, एक दिन क्लासिफिकेशन लगेगा, हम लोग को एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किसका पढ़ना है बताइए, किसका, एंसवर्थ का, सोमेटोगेमी में क्या होता है, यूनियन ऑफ सोमेटिक हाइफी, ठीक है, ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स, देवेंद्र आपको क्लियर हुआ, यस सर, ओके, कोई डाउट, नो सर, ओके, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्काई एंड स्कोपोर्स,
ओके, तो ये आपका टाइप ऑफ फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपना क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो फंजाई की क्लास अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं, 5 मिनट में हम लोग मिलते हैं फिर। हाँ बोलिए सर, जो प्रीवियस वाला स्लाइड था उसे जरा लगाएं। प्रीवियस स्लाइड्स, ये जो हेट्रोथेलिक वाला है, ये जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी, सर इसके फंक्शंस को बता दें, हेट्रोथेलिज्म जो आपने बताया नीचे, हेट्रोथेलिज्म के फंक्शन को। हाँ, हाँ. हेट्रोथेलिज्म का फंक्शन ये होता है कि जब दो डिसिमिलर टाइप के आपके आएंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर टाइप के आपके आके फ्यूज करेंगे, तो क्या होगा वहां पे वेरिएशन क्रिएट होगा, ठीक है? उसके कारण क्या होगी, जो इनब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग क्या होती है, जब सेम टाइप के जीन को, जीनस वाले ऑर्गेनिज्म को आपके मेट करवाया जाता है, तो वहां पे क्या होती है, इनब्रीडिंग होती है, ठीक है? तो इनब्रीडिंग को रोका जा सकता है इससे, जब हेट्रोथेलिज्म आपका डेवलप होगा तो। तो वही आपका हेट्रोथेलिज्म का मेन फंक्शन है, ठीक है? मेन फीचर वहां पे आपका एडवांटेज है आपका। तो मतलब वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए ये किया जाता है। हाँ, जैसे जैसे आपका इवॉल्व होगा फंजाई का, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, अपना जेनेटिकली भी इवॉल्व हो, चेंजेज आए थोड़ा, ठीक है? तो इसीलिए वो क्या करेगा, हेट्रोथेलिज्म की तरफ बढ़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ और क्या, कौन पूछ रहा था, एग्जांपल किसका पूछ रहा था? लास्ट वाला फेज, सोमेटो गेमिंग का। सोमेटो गेमिंग का एग्जांपल, सोमेटो गेमिंग का एग्जांपल ईस्ट होता है, ठीक है? ईस्ट के कुछ स्पीसीज, सारे नहीं, और एग्जांपल इसका नहीं पूछा जाता है यूजुअली, आप परेशान मत होइए, ये सब से एग्जांपल पूछेगा तब तो फिर बच्चा ये याद ही नहीं रख पाएगा उतना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अभी 6-10 के आसपास हम लोग मिलते हैं, सेल बायोलॉजी आज स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ये सर, ये हेट्रोथेलिज्म किस में पाया जाता है, किस फैमिली में? हायर फैमिलीज में पाई जाएंगी, हायर मेंबर्स में, ठीक है? जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गए, बेसिडियोमाइसिटीज। अच्छा। में आपको मिलेगा कुछ कुछ। ओके सर।